वो एक मैजिक की तरह काम करता है एंड ओवरनाइट ही वो आपका सब मसल मास गेन करा देगा, आपका फैट कम करवा देगा, उनको स्ट्रॉन्ग बना देगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल में अंदर फ्रेश वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोटीन सप्लीमेंट के बारे में। प्रोटीन सप्लीमेंट क्या आपके लिए ज़रूरी है, क्या आपको ये बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एंड इसके ऊपर मेरा क्या ओपिनियन है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि क्या आपको प्रोटीन सप्लीमेंट यूज़ करना चाहिए, तो इसका आंसर डिपेंड करता है कि आप किससे पूछ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी सप्लीमेंट कंपनी वाले से पूछेंगे कि क्या प्रोटीन सप्लीमेंट को यूज़ करना चाहिए, तो डेफिनेटली वो विदाउट सेकंड थॉट आपको बोलेंगे कि हाँ, आपको जो प्रोटीन सप्लीमेंट है वो यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग उनका जो प्रोटीन सप्लीमेंट है या कोई भी अमीनो एसिड है या फिर उनका कोई भी नया सप्लीमेंट आया है वो एक मैजिक की तरह काम करता है एंड ओवरनाइट ही वो आपका सब मसल मास गेन करा देगा, आपका फैट कम करवा देगा, उनको स्ट्रॉन्ग बना देगा, ये उनको लगता है। कुछ भी बट सच्चाई ये है कि सबसे बढ़िया जो मसल बिल्डिंग सब्सटेंस जो आपकी बॉडी को चाहिए, दैट इज फूड। यस गाइस, जो आप फूड कंज्यूम करते हैं वो आपको प्रोवाइड करता है ऑल द बिल्डिंग ब्लॉक्स, एनर्जी रिसोर्सेज एंड न्यूट्रिएंट जो आपको बॉडी को चाहिए रिकवर एंड रिपेयर होने के लिए, ताकि आपकी जो मसल्स है वो ग्रो करे। आपको जैसे अपनी हर मील में अपनी प्रोटीन के रिसोर्सेज को ऐड करना है जो आपको फूड में इजीली मिल जाते हैं, आपको जैसे वो रिसोर्सेज ऐड करना है जिसमें आपको प्रोटीन क्वांटिटी मिलती है एंड इजीली आपका जो गोल है, जो आपकी फिटनेस बनाने का आपका जो गोल है उसके लिए आपको जितना प्रोटीन रिक्वायरमेंट होती है इजीली आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो ना कंसिडर करते हैं कि आप अपने पूरे दिन में इतना ज़्यादा फूड कंज्यूम नहीं कर पाते, टाइम का इशू है, कोई और इशू है, या फिर ना प्रोटीन कंज्यूम नहीं कर पा रहे, तो इन दैट केस आप वहाँ पर प्रोटीन सप्लीमेंट को ऐड कर सकते हैं जो आपकी डेली की प्रोटीन रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने में आपकी हेल्प करेगा। अगेन मैं यहाँ पे कहूँ कि इसमें आपकी जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो पूरी होने में आपकी हेल्प करेगा, बट अगेन दिस इज़ नॉट ए मैजिक, इट जस्ट फूड है। आप जिस प्रोटीन सप्लीमेंट को ऐड कर रहे हैं अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, क्योंकि आप इनफ फूड कंज्यूम नहीं कर पा रहे वहीं पर आप इसको ऐड कर रहे हैं, ये कोई मैजिक नहीं है, जस्ट आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जा रहा है एक सप्लीमेंट के थ्रू। सो अभी जो डिटेल मैंने आपको बताया उनके बेसिस पर आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट की, आपकी जो डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट है उसको अपनी डाइट के थ्रू इजीली फुलफिल कर पा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको अपना पैसा किसी भी सप्लीमेंट पर वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट ये सोच के कि अगर आप ये सप्लीमेंट लेंगे तो ओवरनाइट आपकी मसल बिल्ड हो जाएगी काफ़ी ज़्यादा, सिर्फ ऐसा सोच के आपको अपना पैसा वेस्ट नहीं करना चाहिए। सेकेंड, जैसे मैंने बताया कि अगर आप अपनी डाइट के थ्रू अपना जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो पूरा नहीं कर पा रहे, इन दैट केस आप वहाँ पर प्रोटीन सप्लीमेंट को ऐड कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रहा है। सिर्फ आपको ये नहीं सोचना कि जस्ट आपने प्रोटीन सप्लीमेंट यूज़ किया है एंड उसी से आपकी मसल बिल्डिंग हो जाएगी, आपकी जो ओवरऑल डाइट होती है वो मैटर करती है, आप जो अदर न्यूट्रिएंट लेते हैं वो भी मैटर करता है। सिर्फ एक प्रोटीन सप्लीमेंट आप दिन का एक स्कूप लेते हैं उसमें आपको 25 से आपको 30 ग्राम प्रोटीन आपको मिल जाएगा, लेकिन आपकी ओवरऑल प्रोटीन रिक्वायरमेंट डेली की ज़्यादा होती है। सिर्फ एक स्कूप लेने से आपकी मसल बिल्डिंग नहीं होगी, आप पूरे दिन में प्रोटीन कंज्यूम करते हैं वो रियली मैटर करता है। सो दैट्स इट फॉर द डे गाइस, आई होप ये वीडियो आपकी हेल्प करेगी, क्योंकि काफ़ी लोगों का डाउट होता है कि अगर उनको मसल बिल्डिंग करना है, नॉर्मल लेवल की बात कर रहा हूँ, मैं किसी कंपटीशन लेवल की बात नहीं कर रहा, इसी नॉर्मल पर्सन का अगर मसल बिल्डिंग करनी है तो वहाँ पर उनको यही लगता है कि उनको मसल बिल्डिंग करने के लिए प्रोटीन सप्लीमेंट बाय ही करना होगा, अगर वो प्रोटीन सप्लीमेंट नहीं लेंगे तो उनकी मसल बिल्डिंग नहीं होगी, ये बात उनके दिमाग में रहती है। तो मैंने सोचा क्यों ना ये आपका ये डाउट क्लियर कर जाए, तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई ताकि ये आपकी हेल्प करे आपका ये डाउट क्लियर करने में। ओके गाइस, सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने उन दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा जो वर्कआउट करते हैं या जो प्रोटीन सप्लीमेंट बाय करने की सोच रहे हैं, उनके साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। मैं मिलता आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे स्ट्रॉन्ग।